हेलो एवरीवन, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टॉप 50 ऑथर्स एंड देयर बुक्स के पार्ट थर्ड में, मतलब हम नेक्स्ट टॉप 50 आपके लिए हमेशा हर लेक्चर में हम टॉप 50 करके वीडियोस बनाते हैं। अभी हम बनाने बुक्स एंड ऑथर्स की टॉप 50 के, तो अभी 100 ऑथर्स और उनकी बुक्स पिछले दो लेक्चर्स में हो चुकी है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट 50 इंडियन ऑथर्स एंड देयर बुक्स, तो मतलब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने लिखी हैं बुक्स और बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया से रिलेटेड। आज सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया बात नहीं कर रहे, तो हमारा फोकस यही रहेगा और हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर भी, नीचे लिंक दी हुई है, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस करके हमारा चैनल है, और मेरा खुद का भी पेज है मैथ्स विद मयंक करके, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है जब भी मैं कुछ चीज़ बताता हूँ तो आपको उसे रिकॉल करना है। कब? वीडियो के बाद एक बार रिकॉल करिए। नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, वैसे भी हम वीडियो के नीचे आपको सारे क्वेश्चन लिख कर देते हैं, ठीक है, तो आप उनमें भी एक बार डिटेल देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दूसरा अगर देखा जाए हिंदी स्वराज और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। ये तीन बुक्स जो हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो भाई ये हमारे यहाँ के जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे, महापुरुष रहे, महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा लिखी गई है। अगला अगर मैं पढ़ूँ, उमाशंकर जोशी जी के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? तो भाई ये है निशीत बुक जो है वो उमाशंकर जोशी द्वारा लिखी गई है। साकेत जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई। देखिए अगर मैं बोलूँ रंगभूमि, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, ये जितनी बुक अभी मैंने पढ़ दी इन पे सब पे नाट्य मंचन हो चुका है, कहीं पे प्रोग्राम बन चुके, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये मुंशी प्रेमचंद जी की, तो ये सारी बुक्स पूछी जा सकती है कभी ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। अगर मैं पढ़ूं द इनसाइडर, ये कई बार पूछा जा चुका है, यह है पीवी नरसिंह राव जी के द्वारा लिखी गई। अगर मैं बोलूं राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें, संसद के तीन दशक, ये दोनों बुक जो हैं हमारे यहाँ के बहुत ही एक रेप्यूटेड व्यक्ति जो का एक हमारे इंडिया को लीड भी कर चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं इसके भी। अगर अगली बुक मैं पढ़ूँ द इंडियन स्ट्रगल, ये लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जो बहुत हमारे यहाँ के बहुत बड़े एक क्रांतिकारी थे। अगली बुक अगर मैं तो पढ़ूं आपके लिए द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, जो ये बुक है ये लिखी गई है सरोजनी नायडू जी के द्वारा। अगर अगला मैं देखूं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि इसमें भी है, ये आप पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल हो रहा है, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, ये सारी बुक्स जो हैं सरोजनी नायडू जी की है। पिछले लेक्चर में भी हमने दो बुक इनकी डिस्कस करी थी जो इसमें है। अगला मैं पढ़ना चाहूंगा जो आपके सामने, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द डार्क रूम, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, टेलिसमैन, मालगुड़ी डेज, ये सारी बुक्स जो हैं ये आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई हैं। द अगली बुक मैं आपके लिए पढ़ूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ये बहुत बड़ी लेखिका हैं, इनके नाम की बुक्स कई बार पूछी जा चुकी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड। दो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से रिकॉल करूँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड, ये जो बुक है ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा, ये कई बार पूछी जा चुकी है। अरुंधति रॉय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेखिका हो जाती है। अगर मैं बात करूं इंडिया डिवाइडेड, ये बुक लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया डिवाइडेड कभी भी पूछा जा सकता है। अगर अगली बुक मैं आपके सामने लेके आऊं दोस्तों, गीतांजलि, क्रीसेंट मून, द गार्डनर, चंडालिका, द हैंग्रो स्टोन्स, द कोर्ट, डांसर, किंग ऑफ डार्क, वेम्बर, पोस्ट ऑफिस, द रिलीजन ऑफ मैन, ये सारी बुक्स जो हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई हैं, और इनमें से कुछ बुक्स हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं अगला आपके सामने पढ़ूँ एन ऑटोबायोग्राफी
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों की तीनों बुक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो कि लिखी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला दोस्तों मैं जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलाहाबाद प्रशस्ति, ये जो बुक है कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में, इसके लेखक हम लोगों को रेंडमली याद नहीं रहता है इनके बारे में, लेकिन पूछा जा चुका है, ये है हरी सेन, याद रखिएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई बुक है। अगला अगर मैं दोस्तों आपके सामने पढूं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये लिखी गई है एस राधाकृष्णन के द्वारा। दोस्तों अगर मैं बात करूं अरविंद घोष, अरविंद घोष जी ने कुछ बुक्स लिखी थी, मैंने पहले लेखक का नाम पढ़ा आपके सामने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम याद नहीं रख पाते हैं, पीएससी में आ चुका है इनका क्वेश्चन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और लाइफ डिवाइन, ये दो जो बुक्स है ये अरविंद घोष जी ने लिखी हुई है। अगर मैं अगला पढ़ूं इंडिया ऑफ अवर ड्रीम, ये जो बुक है ये वी एस कामत के द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये सारे के सारे इंडियन ऑथर्स हैं और उनकी बुक है जो हम आज डिस्कस करें। अब मैं पढ़ने वाला हूं इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, द जजमेंट, इंडिया हाउस, बियॉन्ड द लाइंस एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो बुक्स मैंने पढ़ी अभी आपके सामने, इनके लेखक एक ही हैं, बुक्स अलग अलग हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं आपके लिए कितनी अच्छी डिटेल लेके आया हूं, कुलदीप नायर जी हैं इनके लेखक। अगर अगला हम दोस्तों पढ़े कश्मीर ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, ये जो बुक है ये तवलीन सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला अगर मैं पढूं ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत बार पूछ चुके हैं, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ये लिखने वाले जो लेखक हैं खुशवंत सिंह हैं। एक चीज याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं, खुशवंत सिंह हैं इसके लेखक, इस पर मूवी भी बन चुकी है, तो आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जा चुकी है। अगला अगर मैं पढूं भाई, ये बुक पढ़ने से पहले तो मैं नाम लूंगा इन व्यक्ति के, बहुत महान व्यक्ति रहे हैं हमारे इंडिया के, इनने हमारा पूरे विश्व में नाम कराया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनने जो बुक्स लिखी हैं उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर मैं पहली पढूं तो विंग्स ऑफ फायर, ये अब्दुल कलाम जी और अरुण तिवारी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसके मेन लेखक जो हैं वो अब्दुल कलाम जी हैं, तो ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं पढूं 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये जो लिखी गई है भाई ये भी एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा है। और अगला अगर मैं पढूं इग्नाइटेड माइंड्स माय जर्नी, ये जो बुक है ये भी लिखी गई है हमारे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। अगर मैं बात करूं अगली बुक की, अगर मैं पढूं जीव्स, ये बुक ही का नाम अजीब सा लग रहा है तो याद रखिए कभी भी आ जाए, ये किसी वुड हाउस ने लिखी, पीजी वुड हाउस जी ने, किसने लिखी, पीजी वुड हाउस ने। अगर अगली बुक पढूं मैं जासूसी कहानियां पोइरोट, नाम क्या है बुक का, पोइरोट, ये किस पे बेस्ड है, जासूसी कहानियों पे, इसके जो लेखक हैं वो हैं भगस्टा। अगली बुक अगर मैं पढूं तो रस्टी, और इसके लेखक कौन है, रस्किन। इंडिका कई बार पूछी जा चुकी है, मेगास्थनीज ने लिखी, किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। ग्रीक व्यक्ति था जो ग्रीस से थे, उस टाइम पे ग्रीक बोला जाता था उसको। अब जो अगर मैं अगला पढूं आपके सामने, मेघदूत रघुवंशा कुमार संभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शकुंतला विक्रम उर्वशी, ये सारी बुक्स जो है इन पे भी नाट्य मंचन हो चुका है, कई पे कई नाटक बन चुके हैं, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अगली बुक अगर मैं पढूं द दास कैपिटल, जो ये बुक है ये लिखी गई कार्ल मार्क्स द्वारा, किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगली बुक हम देख लेते हैं 1984, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है ये बुक, किसके द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। अमुक्त मलयादा, ये जो बुक है कृष्णदेव राय के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, शेम 1983, द सैटेनिक वर्सेस 1988, मूस लास्ट साई 1995, ये जितनी भी बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये लिखी किसके द्वारा लिखी है, सलमान रुश्दी, इनका नाम काफी चलता है लेखकों में, तो आप लोग याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र जो ये है, ये बुक लिखी गई है भरत मुनि द्वारा। अगर मैं बोलूं वाई सोशलिज्म,
ये जय प्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि वाय सोशलिज्म का मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे, लोगों की सहायता करने से है, क्यों करनी चाहिए, हम लोगों को क्यों सोशल होना चाहिए। तो आपको भी पता है कि जेपी नारायण के ऊपर हॉस्पिटल्स भी हैं हमारे, तो इनने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लोगों के लिए बहुत हेल्प करी हुई है। तो अगला मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी बुक है इंटरेस्ट एंड मनी, ये लिखी गई है जे एम केन्स द्वारा। किनके द्वारा? जे एम केन्स के द्वारा। अगर अगली बुक मैं पढ़ूं हैरी पॉटर, इन पे बहुत बड़ी मूवी आई, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स थी बच्चों, अगर आप लोगों ने देखी हो, सभी ने देखी होगी। ये लिखी किसके द्वारा गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, जेके राउलिंग के द्वारा, जेके राउलिंग के द्वारा। अगली अगर मैं बुक पढ़ूं पंच सिद्धांती का जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? वराह मिहिर के द्वारा। किसके द्वारा? वराह मिहिर के द्वारा। अगर मैं अगली बुक पढ़ूं उत्तराम चरित, उसके बाद अगर मैं पढ़ूं मालती माधव, ये जो बुक्स है ये किसके द्वारा लिखी गई? भवभूति के द्वारा। अगली बुक अगर मैं पढ़ूं मदर इंडिया, ये इस पे बुक भी बन चुकी है भाई, मूवी बनी थी इस पे मदर इंडिया पे। तो आप लोगों को ये बुक का राइटर के बारे में भी जानना चाहिए, ये है कैथरीन मेयो, कैथरीन मेयो। अब मैकबेथ बोलूं इससे पहले इस बुक के राइटर का नाम जानना आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जो मैकबेथ है, ये जो आपका मैकबेथ जो बुक है, इसके जो राइटर है वो है विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। इनकी आप लोगों ने इस बुक का नाम बहुत रेयर सुना होगा जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत पूछा जाता है। एक बुक है जो काफी फेमस है वो है हैमलेट। कौन सी? हैमलेट। ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। शेक्सपियर के बुक पे आप लोगों ने सुना होगा बहुत नाट्य मंचन होता है, बहुत अच्छे अच्छे इनने बुक्स जो लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले लिखे हुए हैं। अगर मैं अगली बुक पढ़ूं द मैन हु किल्ड गांधी, ये लिखी हुई है मनोहर गलगांवकर के द्वारा लिखी गई है, द मैन हु किल्ड गांधी। अगली बुक अगर मैं पढ़ूं माई ईयर्स विद अप्पू, ये बुक लिखी गई है सत्यजीत राय के द्वारा। आधे अधूरे, ये जो बुक है ये लिखी गई है मोहन राकेश के द्वारा। अगली बुक अगर मैं बुक पढ़ने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आनंद मठ, कई बार पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है, बंकिम चंद चटर्जी हैं इसके लेखक। अगली अगर मैं बुक पढ़ूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेट्स किल गांधी, ये जो लिखी गई है ये तुषार गांधी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? लेट्स किल गांधी जो है ये है तुषार गांधी। मुद्रा राक्षस, कई बार पूछी जा चुकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी चंद्रगुप्तम, ये जितनी बुक्स मैं अभी बोल रहा हूं बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है, ये लिखाई गई विशाखा दत्त के द्वारा। अगली बुक अगर हम पढ़ें राज तरंगणी, ये कलहल के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाणिनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पाणिनी के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, अब कंफ्यूजन ये होता है सर अर्थशास्त्र तो भाई कौटिल्य बोली गई है, तो भाई एक बात याद रखो कौटिल्य हो चाहे चाणक्य, बात एक ही है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा गया और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया है। और अगर एक और नाम इनका बोला जाए, अगर विष्णुगुप्त भी कहीं लिखा आ जाए तो याद रखिएगा वो चाणक्य ही है। तो यह अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य, या आप बोल सकते हैं हमारे चाणक्य या विष्णुगुप्त। अगला अगर मैं पढ़ूं गीत गोविंद, तो भाई ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अगली बुक अगर पढ़ी जाए महाभाष्य, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा पतंजलि के द्वारा। अगली बुक अगर मैं पढ़ूं आपके लिए कादंबरी हर्षचरित्र, कादंबरी हर्षचरित्र, तो ये बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है दोस्तों। और अनामिका गुंजन परिमल जूही की कली, ये जो बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं, तो ये जो बुक है ये लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो दोस्तों आज का जो हमारा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है दोस्तों, वो यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा अपने इस लास्ट क्वेश्चन के बाद। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए। अब दोस्तों मैं कुछ टाइम बाद आपके लिए ट्रिक्स के साथ भी बहुत सारी कुछ और चीजें लेके आऊंगा, कुछ और वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बोला था जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।